Hi guys, welcome and welcome back to my channel. If you are new in my channel, then hi, my name is Shrita and I make videos on beauty, lifestyle hack, and also I'm creating more looks for you guys. So in today's video, I'm gonna share my birthday look. So without any further ado, let's get started. उस टाइम पे मैं इंट्रो नहीं दे पाई, सो इसलिए मैंने वॉइस ओवर दे रखे हैं. तो फर्स्टली मैंने आज फेस सीरम यूज़ करूँगी. तो फेस सीरम के लिए मैंने गुड वाइब्स का फेस सीरम यूज़ किया था, जो कि काफ़ी अच्छा एक सीरम है फेस के लिए. देन मैंने प्राइमर के लिए एक हाइलाइटिंग प्राइमर यूज़ किया था, जो कि स्विस ब्यूटी का इन दी शेड नेचुरल 1001. काफ़ी अच्छा एक इल्यूमिनेटिंग प्राइमर है. देन मैंने एक कलर करेक्टर पैलेट और कंसीलर पैलेट, जो भी आप कह सकते हो, उसको लिया है. उसमें से ऑरेंज कलर को एज अ करेक्टर मैं यूज़ किया था. इस एरिया पे डार्क स्पॉट था. देन मैंने फाउंडेशन के लिए मेबलिन का सुपरस्टे फाउंडेशन यूज़ किया था इन दी शेड 220. सो उसको मैंने डॉटेड मोशन पे फेस पे अप्लाई किया था. देन मैंने एक ब्रश लेकर उसको ब्लेंड कर दिया था. ओके, सो ब्लेंड आपको बहुत अच्छे से करना होता है, बिकॉज अगर ब्लेंड नहीं करोगे तो थोड़ा सा पैची दिखने में लग जाता है कभी कभार मेकअप. सो या देन मैंने कंसीलर के लिए आज लॉरियल का एक फुल वेयर कंसीलर यूज़ किया था, जो कि इन दी शेड 317. ये फुल कवरेज एक कंसीलर है, जो कि काफ़ी अच्छा है एंड मेरा मोस्ट फेवरेट कंसीलर है. तो उसको भी मैंने बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लिया है. देन मैंने कॉम्पैक्ट के लिए फेसेस कैनेडा का कॉम्पैक्ट यूज़ किया था इन दी शेड बेज 03. देन मैंने कंटूर के लिए फेस पैलेट यूज़ किया था शुगर का इन दी शेड 02 विविड विक्ट्री. उसमें से ब्राउन कलर को मैंने एज अ कंटूर यूज़ किया था. मैंने सारे जिस एरिया पे कंटूर यूज़ करना होता है उस एरिया पे कंटूर कर लिया था. देन मैंने ब्लश के लिए उसी सेम पैलेट को यूज़ किया था. देन मैंने आई मेकअप की तरफ बढ़ूँगी. तो आई मेकअप के लिए फ़र्स्ट मैंने थोड़ा सा बेकिंग कर लूँगी. तो बेकिंग के लिए मैंने जॉनसन का पाउडर यूज़ किया था. देन मैंने आई पैलेट के लिए स्पेस ब्यूटी का आई शेडो पैलेट यूज़ किया था 9 कलर, जो कि है इन दी शेड 6. तो उसमें से पिंकिश कलर को मैंने एज अ क्रीज अप्लाई किया था. देन कंसीलर से मैंने थोड़ा सा एक कट क्रीज बनाऊंगी, सो जस्ट लाइक दिस. देन मैंने ये ब्यूटी क्लास का कलर बोर्ड पैलेट से ये फर्स्ट पैलेट में जो है एक जो कि क्या कहते हैं उसको, एक शैम्पेन काइंड ऑफ कलर को मैंने उस एरिया पे, जिस एरिया पे मैंने कंसीलर लगाया था उस एरिया पे, मैंने इसको हाथों की मदद से जस्ट डैबिंग मोशन पे ये प्रेस ग्लिटर को जस्ट लगाऊंगी. ओके, देन मैंने सेम ब्रश लेकर उसको स्मज कर लूँगी. जस्ट पिंक कलर को मैंने एज अ क्रीज यूज़ किया था. देन मैंने आईलाइनर के लिए लैक्मे का आईलाइनर यूज़ किया था. देन आईज को थोड़ा बड़ा दिखाने के लिए मैंने वाइट कलर काजल यूज़ किया था, जो कि था स्टेक ओकी का. देन मैंने एक्सेस प्रोडक्ट को जस्ट डस्ट ऑफ कर लिया विद अ ब्रश. एंड देन मैंने सेम पिंक कलर को जस्ट लोअर लैश पे स्मर्च कर लूँगी. देन मैंने हाइलाइटर के लिए मेबलिन का मास्टर क्रोम हाइलाइटर यूज़ किया था इन दी शेड मॉल्टन रोज गोल्ड, जो कि मैं थोड़ा सा यूज़ किया था बिकॉज मैं उतना ज़्यादा हाइलाइटर यूज़ नहीं करती हूँ. देन आईब्राउज के लिए एक आईब्रो डिफाइनर यूज़ किया था, जो कि था ब्लू हेवन का. उसमें आपको टोटल दो साइड मिल जाएगा. एक साइड पर आपको स्पूली मिल जाएगा एंड एक साइड पर आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा. देन मैंने पूरी फेस को सेट करने के लिए स्विस ब्यूटी का फिक्सर यूज़ किया है. लिपस्टिक के लिए मैंने आज 2 लिपस्टिक यूज़ किया था. एक है फेसेस कनाडा का मैग्नेटिक एंड देन है टच ऑफ स्पाइस मेबलिन की तरफ से. एंड हियर इज़ माय फाइनल लुक गाइज. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना एंड चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना, ताकि मेरे चैनल का एक भी वीडियो आपको मिस ना हो. एंड फॉलो मी फॉर मोर सच वीडियोज. सो या, तो थोड़ा सा पिक्चर्स इस वीडियो के बाद आपको दिखने में मिल जाएगा, जस्ट लाइक स्टोरी.